कटनी जिले के नगर निगम में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रही भर्राशाही। जी हां, जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, उन हितग्राहियों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ही मामला कटनी जिले के कावसाजी वार्ड झारा टिकुरिया भट्टा मोहल्ला का है, जहां 2017 में हितग्राहियों ने अपना फार्म जमा किया था, लेकिन आज दिनांक तक उन हितग्राहियों को लाभ नहीं मिल पाया, बल्कि उनका नाम ही लिस्ट से काट दिया गया। रामबाई पति रामू डुमरी बुद्धू चक्रवर्ती शमशान भूमि के पास जयकरण जो आंखों से अंधा है दुर्गा मंदिर का निवासी है, ऐसे कई सैकड़ों लोग हैं पूरे 45 वार्ड में जो आज भी प्रधानमंत्री योजना का लाभ पाने के लिए भटक रहे हैं। निवर्तमान पार्षद राजेश जाटव ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन हितग्राहियों ने 2017 में अपना फार्म जमा किए थे, उन हितग्राहियों का फार्म कचरे की तरफ फेंक दिया गया है और नए लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है। जब नए लोगों को लाभ दिया जा रहा है तो पुराने फार्म कहां गए? वहीं अब उन विकलांगों और आम जनता को पावती के नाम से भटकाया जा रहा है। यदि कोई जनप्रतिनिधि अधिकारी से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करते हैं तो कोरोना महामारी का नाम बताकर शांत करवा दिया जाता है, जिसकी लिखित शिकायत और मौखिक रूप से मिलकर पार्षद राजेश ने कई बार बात की कि हितग्राहियों का पैसा जल्द से जल्द जारी किया जाए। यदि पैसा जल्द से जल्द जारी नहीं किया जाएगा तो आने वाले समय में नगर निगम का घेराव किया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर समय समय पर 2016, 17, 18 को जुलूस घेराव किया गया रहा, ताकि हमारे हितग्राही पूरे 45 वार्ड के प्रधानमंत्री आवास योजना का सारे हितग्राहियों को उसका लाभ मिले, सरकार की योजना का, जो कि कटनी में बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि जिन पुराने फार्म भरे हुए थे उनके फार्म, ऐसा मुझे लगता है कि वो फार्म किनारे रख कर फेंक दिया गया है। जिन्होंने अभी नए फार्म भरे हुए थे उनके आवास योजना का पैसा लाभ उनको मिला, लेकिन मेरा ये कहना अधिकारियों से, मैं जब भी बात करता हूँ तो बैक डेट की बात करता हूँ कि हमारे इधर पे बहुत गरीब बस्ती के लोग रहते हैं, वो कहाँ से शपथ पत्र बनवाएंगे डबर डबर तीन तीन बार, क्योंकि दो सौ रुपये 150 रुपये किसी से 300 रुपये भी ले लेते हैं शपथ पत्र बनवाई, वो बेचारे मजदूर वर्ग के लोग हैं, कहाँ से लाएंगे। मैं अधिकारी से जब भी बात करता हूँ आवास योजना को लेकर, उनका बस एक ही बात बोलना है, होता है कि जब, क्योंकि हम पहले रहे नहीं, हम अभी आए हैं तो हम अभी देखेंगे। तो मैं कहता हूँ सीट तो वही है भाई, विभाग भी वही है, निगम भी वही है, कमिश्नर भी, सिर्फ कमिश्नर भर चेंज होते हैं, सीट तो वही रहती है, तो वो फार्म गए कहाँ हैं? ऐसा लगता है कि पूरे फार्म को उठाकर इन्होंने फेंक दिया गया हो, जिसके कारण हमारे गरीब बस्ती वालों को लाभ नहीं मिल पाया, 45 वार्ड के लोगों को। आज क्या बात है नगर निगम? आज नगर निगम में मैं अधिकारियों से चर्चा किया हूँ, उन्होंने बताया कि जो पूर्व में अधिकारी बैठे हुए थे 2078 वाली लिस्ट थी, उसमें पूरा घोटाला हुआ है। तो हमने बोला घोटाला कैसे हुआ? तो मैं पुरानी लिस्ट लेकर गया रहा कि ये आवास योजना की लिस्ट है, इस पे पैसा आना चाहिए सभी का। तो उन्होंने बोला कि ये लिस्ट है ही नहीं हमारे पास। तो अगर वही लिस्ट कंप्यूटर से निकाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अधिकारियों को बता रहा हूँ, उसके बाद ऐसा क्या होता है, क्या ऐसा सिस्टम में डाल दिया जाता है कि वो लिस्ट पूरी 45 वार्ड की गोल हो जाती है? मैं इस आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से चेतावनी देता हूँ कलेक्टर कटनी को कि हम लोग पब्लिक की हित की बात करते हैं तो कोरोना महामारी नहीं दिखती है अधिकारियों को। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके घेराव के लिए बात करें तो वो स्पष्ट बोलते हैं केस लगा देंगे अगर कोई भी जुलूस निकला तो। तो मेरा ये कहना है मध्य प्रदेश शासन से और केंद्र सरकार से कि उपचुनाव में महामारी कोरोना का नहीं दिख रहा है। अगर मैं गरीब बस्ती गरीब लोगों की बात कर रहा हूँ तो उसमें कोरोना और महामारी की बात कर रहा हूँ, मेरे को मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं? ये कैसी सरकार है? अब आज
अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9039011886 एवं 9770229999।